आज ना आपको सिर्फ मैं कुछ बोलूंगी और आप ड्रॉ करोगे कुछ भी, मतलब विजुअलाइजेशन आइडिएशन पे ही हमारा ड्राइंग आज होगा। ओके, आपको कोई भी एक टॉपिक पिक करना है। अभी हमारा फेस हो गया है, राइट? फेस स्टडी हमारा हुआ है, हमारा ह्यूमन प्रोपोर्शन हो गया है, राइट? देन ग्रुप स्केचिंग भी हमारा हो गया है, तो मोर ऑल हमारा ड्राइंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन आइडिएशन। तो व्हाट इज आइडिएशन एग्जैक्टली? तो आइडिएशन मतलब आपको कुछ भी एक थीम ड्रॉ करना, थीम लेना है। सॉरी, ओके, आपको कोई एक थीम सोचना है, आंखें बंद करके एक थीम सोचना है, और उस थीम के ऊपर आपके सामने 3 से 4 लोग आएंगे। उसमें फीमेल हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये सब हमें विजुअलाइज करना है। ओके, आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपको जो भी ड्रॉ करना है वो ड्रॉइंग आप आपके आंखों के सामने उन फिगर्स को लाना है, उनका एक्शन नोट करना है कि वो कौन कैसे बैठा है, कौन क्या, किसने क्या डाला है, राइट? किस बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, किसके एक्शंस क्या है, ये सभी चीजें पहले हमारे माइंड में हमें ड्रॉ करनी है, हमारे माइंड में ड्रॉ करनी है। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो पहले ये विजुअलाइजेशन हमारा कंप्लीट होने होगा, और फिर जो विजुअलाइज हमने किया है वो आप आपके ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करना स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड? ओके, तो थीम आपके हिसाब से रहेगा कुछ भी। ओके, सपोज आप कहीं पे मार्केट में गए हो, या बर्थडे पार्टी पे गए हो, या आपके घर पे आपके बेटे की बेटी की बर्थडे पार्टी है, राइट? या आयुष को कुछ अवार्ड मिला है, राइट? या ईरा कहीं पे वैकेशन पे गई है। यू थिंक वॉट यू वॉन्ट टू, या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, राइट? या घोड़े पे बैठे हो, कैमल पे बैठे हो। ओके, आप कहीं बीच पे खेल रहे हो। ओके, सो क्लोज योर आईज, एवरीवन सिट स्ट्रेट, इरा, एवरीवन, ओके, एवरीवन सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक वन लॉन्ग ब्रेथ। हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पेंसिल नहीं, कुछ नहीं। ओके, एकदम शांति से बैठो, पहले माइंड को एकदम क्लियर कर दो। एक व्हाइट कैनवस आपके सामने आपको दिख रहा है, राइट? एक व्हाइट ब्लैंक पेपर आपको आपके सामने दिख रहा है। ओके, अब आप आपके कुछ ऐसे मेमोरीज को याद कर रहे हो जो आपको ड्रॉ करना बहुत ही अच्छा लग सकता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, आप फैमिली के साथ हो सकते हो, वो जो स्टोरी है वो आपके खुद की स्टोरी हो सकती है, या आप किसी को देख रहे हो खिड़की से के बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, या फिर किसी की शादी चल रही है, स्टेज पे शादी में क्या क्या हो रहा है, शादी में स्टेज पर रिसेप्शन चल रहा है, किसने क्या ड्रेस डाला है, कुछ भी आपको जो इमेजिन आपके माइंड में आ रहा है फर्स्ट थॉट, उस थॉट को आपको पकड़ना है। ओके, अब उस थॉट को आजू बाजू का, उस थॉट के आजू बाजू में क्या एटमॉस्फियर है वो आपको नोट करना है। उस एटमॉस्फियर में कितने लोग हैं? 3 to 5 पीपल वहां पे होने चाहिए। उन्होंने क्या वेयर किया है, उनके क्या एक्शंस है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को ताली दे रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ओके, फिर आपको देखना है बैकग्राउंड फोरग्राउंड में आपने क्या देखा, जो लोग आपको दिख रहे हैं उन्होंने किस कलर के कपड़े डाले हैं, कौन से स्टाइल के कपड़े डाले हैं,
बैकग्राउंड में जो चीजें हैं उनके कलर्स क्या है? आपके आंखों के सामने एक पिक्चर रेडी है अभी। अब आपको कौन सी चीज बाकी है आपकी देखना, उसमें पूरा ए टू जेड एकदम प्रॉपर देख लो आप उस चीज को। राइट, नाउ ओपन योर ब्लैंक पेज, टेक पेंसिल, आंखें बंद करके फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ इन योर माइंड। अब आप वो जो ड्राइंग है जो आपने अभी अभी देखा है पिक्चर आपके माइंड में, वो आपको पेपर पे ड्रॉ करना है। राइट, तो फर्स्ट मैं क्या ड्रॉ करूंगा, तो मैं फर्स्ट कौन कहाँ पे है वो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। फिर उन लाइंस के ऊपर हम लोग जो भी आपने पोजीशंस, जो भी आपने एक्शंस देखे हैं, वो एक्शंस हम लोग ड्रॉ करेंगे। वो एक्शंस क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े डाले हैं, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। रिलेटेड बैकग्राउंड एंड देन फोरग्राउंड। ओके, नाउ ओपन योर आईज, ओपन नेक्स्ट फ्रेश फ्रेश पेज, टेक पेंसिल एंड स्टार्ट ड्राइंग। जैसे भी आएगा, जो भी आएगा, आपको ड्रॉ करना है। ज्यादा सोचो मत। अगर एक एक ऑब्जेक्ट आपका, एक फिगर आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, लीव दैट फिगर एंड गो टू नेक्स्ट फिगर। ओके, आपके माइंड में ना कुछ तो मतलब ऐसे टिक टिक चालू होना चाहिए कि 1 मिनट, 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद 1 मिनट, तब तक 2 मिनट में आपका एक फिगर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, नहीं हो रहा है छोड़ दो, अटके मत रहो उस फिगर में, नेक्स्ट फिगर करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर। ओके, और फिर कंप्लीशन करते वक्त जो भी आपका बचा हुआ पोर्शंस रहेंगे वो फटाफट कंप्लीट करके विथ बैकग्राउंड आपको ड्राइंग रेडी रखना है। जब तक आप ये वाला फॉलो नहीं करोगे ना, जो मैंने अभी बताया प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप्स, तब तक आपका ड्राइंग कंप्लीटली आप ड्रॉ नहीं कर सकोगे, एक ही चीज पे अटके नहीं रहोगे आप। अंडरस्टैंड? कौन कौन क्या क्या टॉपिक ले रहा है जरा मुझे एक बार बताओ। हीरा, बस वेकेशंस पे निकला गया था तो विजुअलाइज के लिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। निकिता, मैम मैं ऐसा विजुलाइज करके कि आई एम टेकिंग क्लास इन माय क्लासरूम एंड टेलिंग टू ड्रॉ स्टिल लाइफ। ओके ओके, सो यू आर टीचिंग स्टिल लाइफ और स्टूडेंट्स डूइंग स्टिल लाइफ। लाइव ऑब्जेक्ट ओके, सो क्लासरूम मध्ये लाइव ऑब्जेक्ट बट ठेवलेत विच आणि व्यू यू आर क्लासरूम मध्ये टेकिंग, विच व्यू यू आर टीचिंग व्यू और स्टूडेंट्स डूइंग व्यू? नाही असं असं लाइन्स म्हणजे स्टुडंट्स राहतील। अजून माझी लाईन ड्रॉ करायची आहे, साइड बैक, साइड साइड दोन राहतील आणि दोन बैक ओके, राहतील। चलो यू आर क्लियर ना, चलो यस स्टार्ट ड्रॉइंग। यस आयुष, मॅम, मी असं दाखवलं की एका मुलाच्या बर्थडेला तो म्हणजे अनाथ आश्रमला जाऊन मदत वाव, करते छोट्या वेरी नाइस मुलांना। वेरी नाइस, ओके गुड। यस अनुजा, व्हाट यू आर ड्रॉइंग? मैम मैं एक वैकेशन का व्यू इमेजिन किया जहाँ पे सनसेट हो रहा है और बीच एरिया है, वहां पे कोई लोग बैठे हैं, कोई बच्चे फुटबॉल या ऐसा कुछ गेम खेल रहे हैं ओके और एक दो ओके, इतने से रिलैक्स है ऐसे। गुड गुड। एंड निशा जी, आप? मैम हम लोग अभी मरीन ड्राइव गए थे तो वहां टिया ओके रिलैक्स होके बैठी थी और ओके बलून्स बबल्स वाले थे, बबल्स सेल कर ओके रहे थे ओके वो सब। ओके, चलेगा चलेगा। थ्री फिगर्स भी ड्रॉ किया आपने फिर भी चलेगा। हाँ आयुष एंड निशा जी, आप थ्री थ्री फिगर्स ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, बाकी सबके 5 6 फिगर्स होने ही चाहिए।